ना घर रखना आता है ना खाना बनाना आता है ना कोई दूसरा काम आता है एंड एक्सपेक्ट like, के कोई घोड़े राजकुमार आएगा, टेक केयर ऑफ देम, माँ-बाप, औलाद, बहन-भाई, भाई बहुत आपस की बात है, लोग हाथ नहीं डालते। mm -hmm, नहीं डालते। पूछा ही कोई तो पूछे ये अच्छा ये करने से इन पर ये फ़र्क पड़ा है सर्टिफिकेशन hmm. ये दोस्त ये कॉलीग्स ये सब रहेंगे अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं आप इन सब के साथ कैसे रहेंगे आप मुझे तो ये बता असल मैं हूं फातिमा शराज एंड वेलकम टू मॉम आर आज एक नई एपिसोड के साथ एक नया मेहमान है हमारे साथ और हमारे साथ हैं सनिया जैदी उनसे करेंगे बहुत सारी बातें कैसी हैं आप अस्सलाम सनियाम थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आई एम गुड गुड तो जनाब आपसे करेंगे हम बातें और माशाल्लाह से एक बहुत ही कामयाब आप खातून हैं एक एंटरप्रेन्योर हैं बिजनेस वमन हैं आपने अपने आप को बहुत आगे ले गई हैं मतलब जो हम कहते हैं ना कि एक कंप्लीट पैकेज एक ग्रूम्ड एक जबरदस्त कॉन्फिडेंट एक लेडी तो वो सनिया है यू। आप माँ हैं और सिंगल मदर थी आप थी ठीक है उसमें हम आएंगे कि थी और बहुत जल्दी आपने डिसीजन ले लिया था कि बस मुझे कंटिन्यू नहीं करना है जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों लेकिन आपने अपने आप को जो है नीचे नहीं लेके गई आपने अपने आप को जो है वो चाहे वो एजुकेशन हो चाहे सेल्फ ग्रूमिंग हो चाहे बच्चे को लेकर हम बात करें कि उसकी परवरिश सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से की तो सनिया ये मोटिवेशन कहाँ से मिली और किसको देखकर इतनी कॉन्फिडेंस में मतलब इतना कॉन्फिडेंट आप आप हो गई थी कि आपने बहुत जल्दी डिसीजन भी ले लिया अमून खावतीन बहुत साल लगा देती हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने में कि वो सोचती रहती हैं कि क्या करें जल्दी नहीं था फातिमा जल्दी नहीं था आई टुक माई ट्यू टाइम मेरी uh, पहली और दूसरी मैरिज के बीच में सत्रह साल का फर्क था मेरी पहली मतलब मेरी डिवोर्स और मेरी शादी के बीच में फिर बारह साल का फर्क था आई टुक माई ड्यू टाइम बट वैन यू मीट द राइट पर्सन सो वैन यू सेट के जल्दी सो थिंगस हैपन चीज़ें होती चली जाती हैं दिस इज़ आई टुक माई डिसीजन में खाले विद इन द स्पिन ऑफ टू टू एंड हाफ ईयर आई टुक दैट डिसीजन सो हाँ दैट के वैन यू मीट द राइट पर्सन यू टेक द डिस मोटिवेशन कहाँ से आई यू विल बी सरप्राइज मोटिवेशन शायद मेरे फीयर्स थे के सारी जिंदगी मैं उन लोगों से सबक सीखती रही जो कि मुझे नहीं बनना था hmm. सारी जिंदगी वो नेगेटिविटी और इस तरह की चीजें मेरे इर्द गिर्द जो मुझे नजर आई मैं डर जाती थी और मैं कहती थी मुझे ऐसा तो नहीं बनना hmm. मैं ऐसी तो नहीं हो जाऊंगी uh, मैं कोई पढ़ाई भी करने जाती हूँ ना आज आई की मैं उन लोगों से मिलती हूँ पहले जिन्होंने ये किया होता है। hmm. कि अच्छा ये करने से इन पर यह फर्क पड़ा है that, मैं hmm. वो सर्टिफिकेशन भी नहीं करतीज अनकॉन्शियस माइंड कि जो चीज़ें मुझे नहीं बनना होता मुझे उसी से मोटिवेशन मिलती है उससे अच्छा बनेगी अलग, उससे अलग उससे कै कैसे दिखना कै। है कैसे बनना है Absolutely. ये तो समझेंगे गॉड गिफ्टेड आपके अंदर एक चीज़ है Patent, uh, हाँ. जो हम अगर आपकी पहली शादी की बात करें तो आपने कहा कि आपको ढाई तीन साल में आपने डिसीजन ले लिया था जो पहली yeah. शादी थी उससे निकलने का डिसीजन मुझे साढ़े तीन साल लगे 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 यहाँ लोगों को तीस साल लग जाते हैं oh. खात नहीं निकल पाती तो वो uh, जब शादी होती है एक बिगड़ा हुआ इंसान सताइस अट्ठाईस साल का जिसको उसके माँ बाप ने बहुत अच्छे तरीके से बिगाड़ा होता है वो एक लड़की को लाते उसके हवाले कर देते हैं बेटा तुमने इसको संवारना है चाहे वो मेंटली uh, रिटार्डेड हो चाहे वो साइको हो चाहे वो इलिटरेट हो अनएजुकेटेड हो टॉक्सिक हो वो सारी जिम्मेदारी बीवी पे आ जाती है फिर वो औरत अच्छा चलो यार अब मोहब्बत से प्यार से हम बदल देंगे वो लगी रहती है कोशिशों में अच्छा बच्चा कर लो बच्चे उसे भी चेंज हो जाते हैं ये भी है एक मिथ है बट जिसने नहीं बदलना वो नहीं बदलना यहाँ औरत स्ट्रगल करती रहती है अच्छा अब एक चांस और दे देते दे, हैं एक चांस और दे देते दे। हैं ज़िंदगी के पाँच साल दस साल पंद्रह साल बीस साल ऐसे ही जिंदगी फिर ये कि अब बच्चों की खातिर अब गुजारा कर लेते हैं चलो हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई बच्चों के लिए बच्चों की कैसी शादी होगी बेटियाँ हैं उनकी शादी कैसी होगी तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो औरत सफ़र कर रही होती प्लस उसको बैकेंड से कोई सपोर्ट नहीं मिलती पेरेंट्स कहते हैं बस अब शादी हो गई है जो भी है तुम्हारा नसीब अब तुम्हारा जनाजा ही वहाँ से निकलेगा तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सनिया को वही वाली बात कि इतनी मोटिवेशन ठीक है वो बात बिल्कुल सही है कि सनिया ने डिसीजन ले लिया आ, कि मुझे नहीं रहना इस बंदे के साथ जो भी कुछ आ, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हुए जिस किस्म के भी हालात थे बट एक सपोर्ट जो होती है ना कि जिसपे आप डिसीजन ले लेते हो क्योंकि उस वक्त तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था यू हैव नथिंग ना ना ज्यादा एजुकेशन हाँ, थी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी फिर एक बच्चा था छोटा सा गोद में उसकी जिम्मेदारी भी थी तो कैसे इतनी मतलब लिया। मुझे ये लगता है yeah, बहुत लिया हम, हम जो बात करें ना जैसे मैं और इस तरह से होता था और इस इस, इस मी इन 90s. मैंने जमाना अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा है ना हम एटीज की बर्थ है जी बिल्कुल तो हमें हमें ना बदलते हुए आपने जो भी बात कर रही थी ना कि हजरा इस तरह इन ऑल दैट आप यकीन करें मैंने अभी ये वाइस वर्ष देख वाइस वर्ष देखा है कैसे आपने कहा जैसे एक एक सत्ताईस साल का मर्द एंड देन यू नो बच्चा कर लेती है कहते हैं। आई आई हैव हैव सीन सीन केसेस। बंच ऑफ गर्ल्स जो ना पढ़ी लिखी हैं, ना घर रखना आता है ना खाना बनाना आता है ना कोई दूसरा काम आता है एंड देन दे एक्सपेक्ट घोड़े पर राजकुमार आएगा तो एक वो लड़की जिसने ना शादी की है ना उसने कोई ऐसा काम किया उसकी भी अपनी लाइफ की उतनी ही जिम्मेदारी है और एक जैसी बंदी जिसने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया विद इन्फेंट इन हैंड mm -hmm. उसकी भी अपनी लाइफ की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ऑल इज़ देट द नीड टू अंडरस्टैंड बैक टू योर क्वेश्चन के मोटिवेशन और ये सारा कुछ आई बिलीव दैट आई वॉज बॉर्न विद अ ग्रोथ माइंड देखो आई वॉज बॉर्न इन अ वेरी नोबल रिच फैमिली बट देन वालिद पासड अवे हालात ख़राब हो गए चीजें इस तरह से हो गई बट मैं अंदर से ना अमीर रह गई <laughs> जो एक अमीर औरत था, था, अमीर बच्चा हाँ। वो अंदर ही रह गया मेरे उस अमीर बच्चे ने पर निकालने शुरू किए जब उसको अकल आई जब विजडम हिट्स बारह तेरह साल की उम्र में ना शोर यू दैट उस दिन जिस दिन मुझे समझ में आई है ना कि अच्छा ओके मैं तो पुअर हो गई हूँ मेरी अंदर से हालत हो गई थी mm -hmm. क्योंकि आप यू नो इन पाकिस्तानी फैमिलीज एंड यू पाकिस्तान सबसे छोटा बच्चा होता है घर का उसको वैसे ही इतना प्रोटेक्टेड उसको दे इतना संभाल के रखते हैं तो माई फादर पास लाइक फोर एंड हाफ ईयर ओल्ड और Just... ग्यारह बारह साल तक तो मुझे पता ही नहीं था आई वॉज पोअर बारह तेरह साल की उम्र में जब अकल आई ना कि ओ माई गॉड आई डोंट हैव एक्सेस टू द थिंग्स आई रियली समझ आ गई थी कि बेटा ये तो नहीं चलेगा ये तो नहीं चाहिए एंड टोल्ड बीफोर योर अ फ्रेंड ऑल्सो यू नो दैट सोलह साल की उम्र से घर से बाहर हूँ सोलह mm. साल की उम्र से घर से एक रुपया नहीं लिया आई हैव अल्लमद्ला टू डे एवरी थिंग आई हैव इंडिपेंडेंस फ्रीडम सब कुछ है किया कैसे ये एक दफ़ा में मैं नहीं बता सकती दिस दिस वॉज अ कॉन्स्टेंट ग्रोथ माइंड सेट बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके साथ पैदा होते हैं आई थिंक आई बहुत सारे लोग हैं जो अपने माइंड सेट को थॉट प्रोसेस चेंज करके ग्रोथ माइंड सेट की तरफ लेके जाते हैं so तो मुझे बताई और वो हमें भी पता है कि आप बाय बर्थ आई थिंक ने आपको ऐसी दी हाँ, <laughs> वो एक कहावत है ना कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो उसमें आपका फॉल्ट नहीं है हाँ। लेकिन अगर आप गरीब मर जाएं तो वो आपकी फॉल्ट है।, है बिल्कुल वो आपका <laughs> फॉल्ट है तो क्योंकि आपके पास तो भाई रास्ते खुले खुलें Absolutely. आप मेहनत करते हैं आप आगे बढ़ते हैं आपको कोई नहीं रोक सकता इज सो मच वेल्थ इन दिस वर्ल्ड ऑल यू हैव टू टू डू मेक एन एफर्ट बिल्कुल अब हम बात करते हैं कराची की जो कि एक मेट्रो सिटी है और यहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं ठीक है जिसमें खातन हैं बच्चे हैं मर्द हैं वो बेनाम पैदा होते हैं बेनाम वही नाइन टू फाइव जॉब करते हैं और मर जाते हैं जिंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं वो किस तरह ज़िंदियाँ गुजारते हैं किसी को भी नहीं पता चलता मगर उत, इतने लाखों करोड़ों लोगों में सनिया तुमने अपना एक नाम बनाया है तुम्हें लोग जानते हैं पहचानते हैं चाहे पैसे के मामले में काम के मामले में डिग्निटी के मामले में एक इज्जत है तुमने औरतों को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है कॉन्फिडेंटली क्योंकि दो नंबर काम भी होते हैं ठीक है ना आपको क्या लगता है मुझे ऑप्शंस नहीं थे नहीं क्यों नहीं होंगे हम <laughs> मौला का, मौला अली का कॉल है फातिमा देर इज सो मच रिस्क फॉर यू आपको जैसे लेना है ले लो मिलेगा बिल्कुल मिलेगा आप जो मांगे राइट हैंड चूज कर लिया बिल्कुल इधर से भी मिल सकता था और वो जल्दी मिल जाता वो जल्दी मिलता लेकिन ये जो राइट हैंड आपने यूज़ किया ना इसमें आपके हाथ में छाले भी आए होंगे आपने भिल्कुल। आप, भी सब कुछ होता है आप रोते भी हैं आप टूटते भी हैं आप आपको नाकामी का भी आ, सामना करना पड़ता है लेकिन फिर जो कामयाबी मिलती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और जितनी जल्दी आपको पैसा या कामयाबी मिलती है उतनी जल्दी वो ख़त्म भी हो जाती है तो जिस तरह वही मैं बात कर रही हूँ किसानिया क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें मुझे पता है तुमने जिस तरह से नाम कमाया है पैसा कमाया है काम किया है मेहनत की है तुम्हें जितने लोग जानते हैं चाहे वो मर्द हों या औरतें हों सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं तुम एक इंस्पिरेशन हो इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए भी तुम एक बहुत बड़ी इंस्परेशन हो so और मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हम दोस्त हैं और client, हम जो है एक साथ हमने बहुत सारी बातें चीजें हमने पहले भी शेयर की हैं और वाकई उससे बहुत, तो बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जिनको धूप से एलर्जी है जो धूप में बाहर नहीं निकल सकते तो वो रात के चार बजे भी मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं <laughs> उनको जो है कैसे डील करती हो <laughs> उनको मैं मीटिंग करके डील ये माल माल के मीटिंग <laughs> कर देती स्पीकिंग मेरी <laughs> लाइफ में ना इस तरह के लोग ज्यादा कुछ आए नहीं ज्यादा कुछ आए नहीं बट ऑफकोर्स मेरी सराउंडिंग्स में इस तरह की चीज़ें होते है, है, तो है कीड़ा भी होता है हाँ, क्या भाई हम ट्राई हाँ, तो मारे एग्जैक्टली करके एग्जैक्टली तो मुझे ऐसा लगता है मेरी मेस्कुल साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट जोकिंग मैं रात के साढ़े बारह बजे भी आपको मीटिंग पे मिलूंगी लेकिन शायद वो तो मीटिंग मैंने ही कॉल की होगी बंदा ही घबरा जाएगा क्यों बुला रही है अच्छा कभी कोई ऐसे हालात आए नहीं तो आई कॉन्ट कमेंट मन लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर प्रोफेशनली चीज़ें चल रही हैं और चीज़ें हैं तो आई डोंट इव इन माइंड इफ यू एंड योर टीम वस मी के यार, मिडनाइट के बाद रख सकते हैं आई वुड हैव कम टू यू मेरा थाई? भी यही है बिल्कुल हाँ, हमें पता है अगर कोई टेढ़ा सीन है तो वो तो अल्लाह ताला ने दिल के अंदर घंटी लगाई हुई होती है आप उस सीन को ए, क्या कहते हैं ट्रिगर होने से पहले काट दे बिल्कुल ऐसे है। अगर इतना आप समझदारी है तो वो आप ट्रिगर होने से पहले फारिग कर अच्छा मुझे तो ये लगता है कि औरतों की दो आंखें आगे होती हैं दो पीछे लगी पिछले पता चल जाता है हमें और मुझे ये भी लगता है कि आप आपको देखकर बंदा भी समझ जाता है

छे बड़े भाई हैं तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यार सब बहन बना लेते थे, हाँ। थे कि सबको पता था बड़े भाई हैं तो भाई है बहन जी जैसी बाजी आपा अरे भाई कोई तो हमें देखे हाँ। वो याद है ना वीडियो कौन सी है ना ये <laughs> है ना वो गल्रियापा की वहाँ जाके बैठो और हम हम क्या हमें हमें में क्या में कमी क्या है, कमी <laughs> है? <laughs> तो वो ये चीज होती है वैसे क्योंकि मर्दों को भी पता चल जाता है कि भाई ये आई थिंक आपका ऑरा जो है थिंक लोग बहुत देख के हार डालते हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स के साथ करती थी जो जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे बहुत बड़े नाम है लूंगिनी तो मेरा भाई अक्सर आके मुझसे बोलता था कि सनिया इट्स इट्स लाइक अ डैन यू गो टू अ अवरी डे आईन योर सिस्टर यू हैव नो आइडिया हाउ आई वॉक इन टू दैट एवरी डे एंड आप यकीन करो तेरा तेरह चौदह चौदह मर्द एक बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे होते थे क्या क्या इंटरनेशनल uh, डिप्लोमैट mm -hmm. क्या लोकल एम्बेसडर्स और क्या वो पोलिटिकल वो एंड आई नो हैड टू से एंड आई नो दैट एट दी एंड ऑफ द मीटिंग नो बडी विल शेक माई हैंड दैट वे तो शायद कुछ था कितना दम था तो वो इतने कोई चार बजे वाली मीटिंग्स की ऑफर आई नहीं आई आई विश आती नाव दैट आई कैरी अपन सही तो चलेंगे तो अच्छी बात है हाँ। आपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि हाँ ऐसा होता है और एक मतलब वो जो है ना ख्वाहिशात कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर निकले तो ये आपकी ख्वाहिश है के <laughs> फिर भी कम नहीं। <laughs> सही अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं बड़ा बहुत टाइम अकेले गुजारा है बहुत टाइम छोटे से बच्चे के साथ उसको बड़ा कर दिया माशा ही इज़ नाउ फोर्टीन ईयर्स ओल्ड माशा 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 तो उसके बाद फिर माशा से आपने अभी रिसेंटली शादी की है बिल्कुल अमूम का ये होता है अच्छा मत तो कर लेते हैं दूसरी भी फिर तीसरी भी भले शादियाँ ख़त्म होती रहें वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं कि नहीं अब दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी कर लेते हैं बट औरतें नहीं करती औरतों को ये होता है कि एक अगर हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा है एक मर्द से ऐसा पाला पड़ा जो कि किसी भी सूरत में उसके काबिल नहीं था फिर वो दोबारा शादी नहीं करती नॉर्मली यही होता है हमारे यहाँ तकरीबन नाइन्टी नाइन परसेंट खातन नहीं करते बच्चों की खातिर या वो कहती हैं नहीं 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 बस मुझे नहीं करनी। बट आपने अभी रिसेंटली माशाल्लाह से शादी की और माशाल्लाह से बहुत अच्छे एक बंदे से शादी की है मैं उसने भी जानती हूँ और बहुत अच्छा डिसीजन है माशाल्लाह से बिल्कुल सही डिसीजन है तो वो तो बात जैसे उनका नाम आता है ना हम, हम हैं <laughs> और हमें तो बुलाया ही नहीं मतलब हम तो इस पे हम बैठे हुए माशाल्लाह लेकिन ये कि वो बड़ी अच्छी एक चीज़ और ये एक आपने समझे कि एक टैबू जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि भाई औरत तो बस दूसरी शादी नहीं करती और <laughs> फिर जबकि बच्चा भी है उसके बावजूद आपने दूसरी शादी की इसमें उस मर्द को भी मैं कहती हूँ सलाम है क्योंकि मर्द भी जो है उनको चाहिए सोलह साल की लड़की अगर वो पैसे वाला है भले वो चालीस साल का हो पचास साल का हो हाँ। उसे मिल जाएगी सोलह अठारह साल की आराम से बट एक बच्चे की माँ एक ऐसी औरत जो डिवोसी है एक उसके साथ एक टाइटल तो लगा हुआ है तो उसके बावजूद अगर उस बंदे ने डिसीजन लिया तो मैं कहती हूँ कि उस पर भी सलाम है तो जहाँ हमारे माशरे में हमें एक बुरी मिसालें मिलती हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं अच्छे मर्द भी हैं जो कि सपोर्टिव भी हैं समझते भी हैं एजुकेटेड भी हैं इंटेलेक्चुअल्स में आते हैं Absolutely. तो ये एक बहुत अच्छी बात है लेकिन उसको समझना और उस पर आप कैसे राज़ी कैसे हुई hmm. मतलब क्योंकि टाइम लगता है हाँ, मैं, मैं तो बताती हूँ आप जैसे कह रही हूँ ना फातमा मैं इसको एक तो खातन हमारे बहुत जल्दी जनरलाइज कर देती हैं एंड आई देम क्योंकि इतनी तकलीफ से गुजर चुकी होती हैं कि हक बनता है उनका जनरलाइज करने का जब होते हैं ना सारे मर्द एक से होते हैं या मर्द हजरात कहते हैं कि सारी औरतें एक होती हैं जिन लोगों की डिवोर्स हो जाती हैं या जिन लोगों के इस किस्म के लाइफ एक्सपीरियंसेस बैठ जाते हैं इवन रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप हो जाए बिल्कुल होते एक इसी इस, इस सीट से ना दो तरह के लोग उगते हैं एक जो कीप ऑन फॉलोइंग फॉर द पैटर्न एक तो वो हो गए जो आपने सवाल किया कि जी डिनाइल में चले गए हमें किसी मर्द की जरूरत नहीं है सारे मर्द खराब होते हैं जर्नलाइज कर दो चैप्टर क्लोज साइड में रख दो ये, ये नहीं फेस नहीं। रहता इस है बारे में बात हाँ, नहीं इस बारे में बात नहीं करनी आई हैव फ्रेंड्स लाइक दैट एक खातन होती है या एक हजरात होते हैं जो उस पैटर्न में फॉल करते रहते हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले दूसरी टॉक्सिक रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से फारिग हुए दूसरी चला ली दे आउट ऑन देअर पैटर्न आपको खुद यार देखो हम जब किसी और से भी रिलेशनशिप में आते हैं ना किसी को के साथ एसोसिएट के साथ किसी के साथ बिजनेस करते हैं हम उसका पैटर्न चेक कर लेते हैं हम कहते हैं ये आज इसने PO दिया है कल रेट गिर गया है पी वापस ले लेगा आज मैं इसको जल्दी से इन्वाइस कर दूं वरना कल रेट गिर गया तो ये तो पैसे ही नहीं देगा hmm. क्यों किसी को इल्जाम थोड़ी लगा रही हूँ मैंने उसका पैटर्न देख लिया है तो आप अपनी लाइफ में अपने दोस्तों के अपने माँ बाप के अपने बच्चे के अपने पार्टनर के पैटर्न्स तो चेक करो hmm. इतनी अकल तो अल्लाह ने दी है ना एक वाली साइड है जो पैटर्न्स नहीं चेक करती वो फॉल करती रहती करती रहती एक शादी पे दूसरी शादी एक रिलेशनशिप पे दूसरी रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपका खुद के साथ कम से कम दिस इज माई पावर ऑफ एक्सपीरियंस दो से ढाई साल अकेले रहना जरूरी है अपने साथ मूवी देखो अपने साथ खाना खाओ अपने साथ रहना सीखो hmm. अपने साथ ट्रैवल करना सीखो आप दो से ढाई साल में अपने आप को समझने काबिल तो हो जाएं आपकी को डिपेंडेंसीज ख़त्म तो हो जाएं मे बी आई वाज वीक आई टू टू एंड टू ए हाफ थ्री ईयर्स टू रिमेन ओनली विद माई सेल्फ आई अंडरस्टैंड के क्वेश्चंस उठेंगे कि जी मेरी शादी और दूसरी शादी के बीच में तो बारह साल का फर्क hmm. था आई वॉज टू बिजी बिल्डिंग सेल्फ आई हैड अ रिलेशनशिप इन द मिडल टेशनशिपेंट अवे लेकिन जो मैंने अपने को सही इंसान बनाया ना वो दो तीन साल बनाया मैंने मेहनत की hmm. अच्छा फिर शादी का डिसीजन कैसे ली यू अट्रैक्ट वॉट यू आर अगर नेगेटिव हूँ मेरे सराउंडिंग में आपको पांच नेगेटिव लोग दिखेंगे जो मेरी पर्सनालिटी जैसे होंगे okay. अगर मैं पॉजिटिव हूँ इफ आई नो वट इज अ ग्रोथ माइंड सेट इफ आई नो हाउ टू मेक मनी यू नो मी मैं पता है मेरे जो पाँच खुतन और जो पाँच मर्द हैं मैं नाम लोगे उसमें शबिस्ता mm -hmm. माह दो तीनों मतलब आप देखो ना इवन मर्द रात में mm -hmm. अदील so, इद्रीस यो, ये सारे वो हजरात हैं हु नो हाउ टू मेक मनी टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दय फैमिली वैल्यूज़ यू नो दैर कैन अ पीपल तो आई एक्चुअली वर्क ऑन माई सेल्फ मैं कोई बहुत दूध की दुली नहीं बहुत कोई दिमाग से बहुत पढ़ी लिखी नहीं पैदा हुई थी ताहिर है हर चीज़ मास्टर्स किया फ्लाइंग की कोर्सेज किए टी टी डी किया एन एल पी किया अभी भी कर रही हूँ वो सब अपने आप को बिल्ड किया और उन सारी चीज़ों में आप फिर वही अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं जो आप होते हैं लाइक माइंडेड लोग आपके कहते आना शुरू हो जाते हैं तो माई माई हजबेंड आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड टू हिम बिकॉज आई फाउंड समबडी हु वॉज प्री प्रपोर्शनेट टू ऑल दोज वैल्यूज एट आई वॉज क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ इन माई लाइफ इंडिपेंडेंस वैल्यू फॉर फैमिली इवन वैल्यू फॉर मनी ग्रोथ माइंड सेट सेटिंग द गोल्स फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स टेन ईयर्स सेटिंग द गोल्स फॉर द चिल्ड्रेन इवेंट सेटिंग द गोल्स फॉर हाउस एनी थिंग छोटी छोटी चीज़ें लेकिन उनको एक एक ग्रोथ माइंड सेट के ऊपर लेके आना तो दिस इज आवर अट्रैक्ट और वो फिर केमिस्ट्री बनती चली गई एंड द डिसन बिकेम ईजी आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर डिसीजन बिकेम ईजी ये एक तरह का पज़ल होता है और वही आपने जैसे आप पैटर्न की बात कर रही थी इसको मैं अगर आम फहम अल्फाज में बताऊं तो औरतों को समझ नहीं आ रही होती आ कि वो एक लाइफ जो होती है वो बिल्कुल एक पज़ल की तरह सारे पीसेज़ अलग 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 होते हैं आपकी कामयाबी है अगर आपने उन पीसेस को जोड़ लिया तो आप बहुत इजीली डिसीज़न ले सकते हैं लेकिन अगर आप उन्हीं में फंसे रहे कि इसका क्या होगा अच्छा यहाँ हमारे यहाँ ये बहुत मसला है कि ओ लोग क्या कहेंगे माय माय गॉड दिस इज फेवरेट

वही बात के पैटर्न चेक कर लेते हैं पजल को सॉल्व कर लिया तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है आसान हो जाता है और आपने कहा ना लोग लोग लो, क्या कहेंगे मैं कहती हूँ लोगों का को कहा न और वो तो कहते रहेंगे क्योंकि अगर हम अपने पैगंबरों की नबियों की बात करें तो उन उनपे भी इल्ज़ाम लगे उन पर भी लोग नाखुश हुए उन पर भी तहमतें लगें नाज़ुबिल्ला बहुत कुछ हुआ जो हमारे सामने हैं हमारा हम हमें पता चलता है किस्सों से कहानियों से किताबों से कि क्या कुछ हुआ है तो हम तो उनके सामने कुछ भी मतलब हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते तो आप बारे किसी बारे। एक अगर मुझे रेड कलर पसंद है जो सनिया ने पहना है तो हो सकता है कि किसी और को ना पसंद हो तो अब अब क्या करें आप हर किसी को ना ख़ुश कर सकते हैं तो इसमें सबसे बेहतर क्या होता है कि ख़ुद को खुश किया जाए अपनी खुशी को हम पीछे कर देते हैं और दूसरों के लिए हम सोचना शुरू कर देते हैं कि वो बच्चे को हो सकता है स्कूल में टैबू वो मतलब उसको टारगेट करें उसको जो है ना ट्रिगर किया जाए उसको जो है बोलें कि तुम्हारी ने ऐसा कर दिया क्योंकि यहाँ होता, होता है ये भी एक फेयर होता है आपके अंदर है, तो जैसे आपने डिसीजन लिया बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सिंगल मदर्स हैं जो घर में बैठी हुई हैं जो कि अपना करियर तो जैसे तैसे परसू कर रही हैं लेकिन वो ये डिसीज़न नहीं ले पाती कि दोबारा शादी करें उन्हें भी तो ऑफ़र्स आती हैं कहते हैं ना जहाँ बेरी का दरख्त होता है और जिस घर में तो लड़की होती है वहाँ पत्थर ज़रूर आते हैं वहाँ प्रपोज़ल्स ज़रूर आते हैं चाहे लड़की जैसी भी हो अच्छी बुरी काली पढ़ी लिखी अनपढ़ जैसी भी होगी उसके रिश्ते भी आएंगे तो यहाँ पे भी ऐसी ख़वा हैं जो कि इस तरह हैं सिंगल मदर्स हैं ये जिनकी डिवोर्स हो गई है ये जो विडो हैं लेकिन वो नहीं डिसीजन ले पाती okay. उनके लिए आ, मेरे ख्याल से सनिया जो है वो एक दो, दो हाँ, बहुत दो बहुत माँ बाप औलाद बहन भाई बहुत इम्पोर्टेंट है बट कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाता नहीं आपका साथ जरूर देते हैं मेरे केस में मेरे सब बहन भाइयों ने इवन मैं अपने ब्रदर इन लॉ को कभी नहीं भूलती अमेजिंग मैन इन माय लाइफ यू नो माय ब्रदर इन लॉ माय फ्रेंड्स यू नो लोग मर्दों को बहुत बोलते हैं मेरी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे मर्दों से इर्द गिर्द है मेरे सपोर्ट था सब कुछ था लेकिन जिम्मेदारी आप नहीं दे सकते ना अपने हाथ की अपनी ज़िंदगी किसी को तो जो ख़वान डिसीजन नहीं ले पा रही हैं अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का उनके लिए वह दो मशवरे देखिए ये माँ बाप ये बच्चे ये दोस्त ये कॉलीग्स ये सब रहेंगे अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं आप इन सबके साथ कैसे रहेंगे आप मुझे ये बता दें hmm. क्या आप दस साल बाद ये बोलेंगे अपनी औलाद को कि जी मैंने तुम्हारी वैसे शादी नहीं की राइट right? या क्या आप बीस साल बाद अपने माँ बाप को ये बोलेंगे मैं आपकी खिदमत कर रहा था इसलिए शादी नहीं की एक तो ये चीज hmm. है अच्छा ऑन द कॉन्ट्री ऐसा भी नहीं है कि इफ़ यू डेस्परेट टू गेट मैरिड तो बस आप ना अपने बच्चों को खातिर में ना आए ना अपने माँ बाप को खातिर में नाए ना अपनी फैमिली को खातिर में ना और आप उठा के शादी करें प्लीज बी बैलेंस्ड प्लीज बी वाइज एंड मेच्योर आप जो डिसीजन ले रहे हैं कम से कम सिर्फ एक एक scanning से गुजार लेना hmm. एक scanning से गुजार लें और शबिस्ता ने मुझे सिखाई ये बात इज इट हेल्पिंग मी इज इट हार्मिंग फाइन मुझे help कर रहा है या मुझे हार्म कर रहा help कर रहा कर ठीक है स्कैन इट वंस मेरी शादी से मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं है मेरी शादी से मेरे शौर या उसके प्रीवियस बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है मेरी शादी से कोई कोई मसला तो नहीं हो रहा hmm. या आप कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाने जा रहे कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी hmm. या किसी की लाइफ में इतनी तकलीफ आ जाएगी कि वो बेर नहीं कर पाएगा सही. तो ये आपके बच्चे ये आपके माँ बाप ये आपके बहन भाई ये सब खुद ब खुद अलाइन हो जाते हैं अगर आपकी नीयत ठीक हो आपकी नीयत ठीक हो आपकी इंटेंशन ठीक हो आप किसी को नुकसान ना देना चाहते हो और आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना कर रहे हो और तमीज से एक, एक पैटर्न लेके चल रहे हो खुद बहुत चीजें लाइन होती है। खुद ब खुद अल्लाह ताला आपका साथ देता है यार बिल्कुल सही और यही यही काम आप करने जाए विद अ बैड इंटेंशन कि मैं तो अब ये कर दूंगी मैं तो अब उसके घर वालों के साथ ऐसा कर दूंगी या मेरे घर वाले अब ये होंगे आप देखें आपका कैसा खराब होता है काम बिल्कुल Innamal If your partner and you are aligned on the basis of your good intentions, the good the good deeds will follow. आपको effort effort. Allah will do good deeds बिल्कुल सही अच्छा इसमें यह बात भी मैं आपकी जो बात आपने की इसको कंटिन्यू करूँगी कि ये जितने भी रिश्ते आपने बताए ना माँ बाप हो गए बहन भाई हो गए इवन दोस्त औलाद एक सर्टन टाइम के बाद ये सब अपने 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 कामों में अपनी चीज़ों में लग जाते हैं ऑब्वियसली पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं चले जाते हैं जिंदगी से लेकिन जो आपका पार्टनर होता है ना वो आपके साथ रहता है बच्चों की शादी रहता है बिल्कुल वो जितना आपके करीब होता है क्योंकि जब ये दुनिया बनी तो अल्लाह ने यही दो रिश्ते सबसे पहले उतारे थे हमारे हजरत आदम और बीबी हवा उसके बाद फैमिली सिस्टम आया बच्चे आए सारी चीज़ें बाद में आई कुरान में ना कि हमने तुम्हें जोड़ों में, जोड़ों किया।, में किया और इसमें ये भी है कि हमने अच्छी औरतों के लिए अच्छे मर्द और बुरी औरतों के लिए बुरे बिल्कुल बुरे मर्द बनाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारी जो बात है वो नीयतों की है तो इसमें हमें अपना दिमाग खोलने की ज़रूरत है और ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि जितना पॉजिटिव रहेंगे जितना बेहतर सोचेंगे अपने लिए भी दूसरे के लिए भी उतना अच्छा होगा और आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बुराई है कि आप ज़िंदगी किसी भी हिस्से में जाके अगर आप दूसरी शादी करते हैं वो आपकी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाता है सोसाइटी को भी एक अच्छा आप एक समझें कि एक एग्ज़ाम्पल सेट दे रहे हैं आपका जो पार्टनर है आप उसके लिए भी एक बेहतर एग्ज़ाम्पल बन के आ रहे हैं आप अपने बच्चों को भी एक अच्छी एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं क्योंकि देखिए मैंने ये देखा है कि अगर फॉर एग्जांपल हम वही बात आ जाती है कि अगर हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि हस्बैंड टॉक्सिक है मारता पीटता है ठीक है उसने अपने बाप को भी ऐसा ही देखा होगा मोस्टली केसेस में ये होता है वही हो, ना ये चेंज चल रही होती है फिर जो उसकी औलाद होती है वो भी यही चीजें देख रही होती है अपने घर में लेकिन अगर एक औरत जैसे कि तुमने एक स्टेप लिया अपने बच्चे को भी उस माहौल से निकाला खुद को भी उस माहौल से निकाला कि मुझे नेगेटिविटी में नहीं अवे अवे आई एम टेलिंग यू रन वो तो हमें पता है yeah. तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वो उस माहौल से बाहर निकल के और अपने लिए भी एक अच्छा माहौल बनाया अच्छे दोस्त बनाए अच्छे लोगों को अपने इर्द गिर्द जिनको पाया उन उनसे दोस्ती की उनसे सीखा और अब वही चीज़ तुम दूसरों को सिखा रही हो दूसरों को बता रही हो दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है और इससे मैं ये समझती हूँ कि वाकई चेंज आएगा और अगर तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी बदलती है तो ये, जैसे तुमने बदली अपनी ज़िंदगी और हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को कंसिडर करेंगे तुमने जो किया है उसके बाद मेरा ख्याल है क्योंकि अमूमन लोग ये कहते हैं बस अब माँ 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 और माँ के बाद कुछ भी नहीं सिर्फ बच्चा है माँ है ये कैसे तुम कर सकती हो कि तुमने दूसरी शादी कर ली लेकिन ये बहुत क्योंकि वो बच्चा जो कि अकेला अपनी माँ के साथ या अपने बाप के साथ रह रहा है उसकी पर्सनालिटी आप देखें और mm -hmm. उस बच्चे को आप देखें जो माँ और बाप दोनों के साथ रह mm -hmm. रहे हैं उसकी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस होता है

अब चलेंगे तो अंदाजा है कि हमने दो ढाई तीन साल के अंदर एक दूसरे की कौन सी पॉजिटिव आदतें अपनाई हैं इतनी दे आर कहते ही मच वाटर ना ही कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ फ्लास्क ये एक पानी पीने की आदत पड़ी उनकी दो चार आदतें जो मैंने अडॉप्ट hmm. और बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें जब आप साथ रहते हैं तो आप सोचो कि ये तो सिर्फ दो डा साल है अब आप सोचें कि आपने बात की माँ बाप की इनकी इनके सालों ना एंड हम गुजारते हैं अपनी औलाद हमारी एंड डेके है एक दूसरे की आदतें कैसे नहीं नहींज़ॉर्व करेंगे पॉइंट इज कि प्लीज़ पॉजिटिव आदतें नेगेटिव पे आप मेरा ख्याल है वो डिलीशन मारते हैं इन भी हो जाता है ना इन आप एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई चीज़ आपके लिए सामने पड़ी हुई एग्जिस्ट नहीं करती तो नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल इंडिफरेंट कर दें दे डोंट एक्सेस्ट फॉर यू पॉजिटिव चीज़ें एक दूसरे से लेना शुरू कर दें आई थिंक जनरेशन को फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से बिल्कुल सही अच्छा सानिया ये बताओ कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि वाकई बाहर निकलना चाहती हैं काम करना चाहती हैं मगर उनको ऐसे हालात नहीं मिलते या फैमिली की तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं होती चाहे वो न्यूली मैरिड हो या जिनकी शादी होने वाली हो या शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं वो चाहती हैं काम करना मैंने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं मेरे सामने डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं बट बड़, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं जिनके पास बड़ी अच्छी काबिल हैं डिग्रीज़ हैं उनके पास लेकिन वो नहीं कर पाती एक डर होता है उनके अंदर कि पता नहीं हम फेल हो गए या हम नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे फैमिली शोहर पीछे से हम मतलब वो फ़ेस नहीं कर पाएंगे कि इससे तो कुछ भी नहीं आता ये तो बिल्कुल ही ज़ीरो है क्या करना चाहिए ऐसा मतलब कहाँ से शुरुआत करें क्योंकि पहला कदम उठाना मुश्किल होता है hmm. उसके बाद तो चीजें होती चली जाती हैं वो जो पहला कदम है वो से से करें शुरू देखिए <coughs> मैंने मैंने <coughs> अपनी life के बड़े, बड़े अब सारी ज़िंदगी अपना काम तो नहीं कर ना <coughs> साल कहापोरेट में काम किया है काम सीखा है चलाया है अब आप सोचो एक लगी बंदी सैलरी आ रही होती थी ऐसा <coughs> <coughs> नहीं था छोटी मोटी सैलरी उस करवट को लेना और फिर उस नेक्स्ट डे डिसाइड करना कि भाई अगली पहली को पैसे नहीं आने अब डिपेंड करता है कब आएंगे क्या होगा बिजनेस तो ये कर्वट थी तो मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है जिसके बेसिस पे मैं आपको जान सकती हूँ कि पहली करवट तो आपको लेनी है हमारे यहाँ मसला ये अच्छा मैं बहुत डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से हूँ शायद मुझे फियर्स कभी भी नहीं थे कि मैं फेल ना हो जाऊँ घर वाले क्या कहेंगे क्या कहेंगे मेरी फैमिली हमेशा मेरे बैक पे खड़ी थी उसके दो रीजन थे उनको पता था बैक पे नहीं खड़े हो तो भी ये करेगी बेहतर है खड़े हो जाओ <laughs> अच्छा वैसे भी सब बहुत सपोर्टिव थे हमारे यहाँ चारों बहन भाइयों ने अपनी मर्जी की लाइफ गुजारी और अच्छा काम किया है बहन ने भी भाइयों ने भी मेरा थोड़ा रिबेल सीन था उनको था कि बेहतर है कि इसके साथ हो जाओ क्योंकि करना तो है इसने सही है तो मेरे लिए वो बड़ा एक अच्छा पुश रहता था अब जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हर हर बंदी या हर बंदा उस बैकग्राउंड से नहीं है ये मसला मतलब वो सुबह सात बजे उठ के आपको ये करना है आठ बजे ये करना है नौ बजे चाय इतनी ठंडी करके इसको देनी है ग्यारह बजे इतने बजे उसको दिल्ली दे देना जब आप किसी को इतनी चीज़ों में डाल के रखोगे तो वो ग्रोथ माइंडसेट कैसे आएगा नहीं uh, एयर चीफ मार्शल uh, की एक डिबेट थी मुझे याद पता टू थाउजेंड की बात है तो उन्होंने कहा था उस टाइम पे कौन था सोलमान साहब थे टाइम पर लाइक मैं अपने आप डॉक्टर्स इंजीनियर्स ये सब ट्रेन करता हूँ मुल्क उनके ऊपर इन्वेस्ट करता है लाखों रुपए लाखों रुपए और जब उनकी शादी हो जाती है वो घर बैठ जाते हैं सही है आप एक मिलिट्री इन्वामेंट की पड़ी हुई बंदी जिसको डिसिप्लिन से नीचे आप बात नहीं कर सकते वो बेचारी घर बैठ जाती है बिल्कुल आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम माई लाइक बहुत यंग डे से जब मैं फ्लाइंग कर रही थी

मैं अपनी पच्चीस लाख की बच्ची पच्चीस लाख की मेड के पीछे जाया नहीं करूंगा जो पच्चीस हजार रुपये में तीस हजार रुपए में एक मेड खाने पका सकती, सकती है घर रख सकती है ससुराल वालों को सेट रख सकती है मैं उसके लिए अपनी पच्चीस लाख की लड़की जाया नहीं करूंगा यही तो समझाने ये माइंड सेट चाहिए अच्छा हाँ। चलो आपकी फैमिली का माइंड सेट हो गया आपका भी तो ये माइंड सेट होगा स्पीक फॉर योर सेल्फ इफ यू हैव अ डिग्री इफ यू हैव डन समथिंग फॉर योर सेल्फ यू हैव टू गिव इट बैक टू दोसाइटी यू हैव टू इनकट दैट इन टू योर चिल्ड्रन ऐसे ही सही होगी ना आज हमारी यंगेस्ट जनरेशन कितनी है मुझे percentage सही नहीं पता है बट वी है वेरी बिगर यंगर लॉट आज वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं तमीज के काम नहीं करेगी तो आफ्टर फिफ्टीन ईयर पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है कुछ भी नहीं बिल्ट इट बिल्ट अच्छा सनिया बड़ी स्मूथ चीजें चल रही हैं और बात भी हो रही है सब कुछ है बट लाइफ में कहीं ना कहीं कोई रिग्रेट कोई चीज़ ऐसी जैसे कि मुझे ये लगता है कि इतनी कॉन्फिडेंट हमेशा से रही हो तुमने सोलह साल की उम्र में फ्लाइंग भी की सब कुछ किया तो कैसे ऐसी शादी कर ली एक ऐसे बंदे से जो पहली शादी mm -hmm. की मैं बात करूँ कि नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है yeah, hmm. uh, आज भी उस टाइम में अक्सर वापस जाती हूँ ये सवाल जो आपने मुझसे किया है ना hmm. ये मैं अक्सर करती हूँ अपने अपने आप से इट वॉज बेड डिजन बट इट वॉज द बेस्ट डिसीजन फॉर दैट टाइम दैट वॉज द बेस्ट आई को डू फॉर माई सेल्फ बिकॉज उस वक्त आपको समझ नहीं आना होता हर चीज़ फेरी टेल लग रही होती है एंड यूर टू यंग टू यंग मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में और अक्सर लिखती भी हूँ विजडम देट आई है आई विश आई कूड टेल माई यंग आज जो मैं पावर ऑफ एक्सपीरियंस बना के और ये आ, सारे सेशन्स करके hmm. और ये मोटिवेशनल टॉक्स करती हूँ ये वो ही विजडम है जो मैं अपने से दस साल पंद्रह साल छोटी लड़की इवन लड़कों को mm -hmm. मैं बताना चाहती हूँ कि भाई एवरीथिंग इज नॉट फाइटल ओनली यस्टरडे आफ्टर माई जिम आई विल नॉट टेक द नेम आई हैड टू टेक अ गर्ल डाउन स्टेयर्स टू सिट एट अ रेस्टोरेंट एंड मेक हर अंडरस्टैंड कि प्लीज डोंट फॉल फॉर योर पैटर्न शी इज अ वेरी यंग गर्ल शी इज वेरी ब्यूटिफुल वेरी टैलेंटेड

अपने से यंगर लोगों को या अपने से थोड़े कम मैच्योर लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज़ ओपन योर आइज़ दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जला लें अल्लाह ताला हैज गिविन योर ब्रेन यूज़ इट कहते हैं ना प्यार तो अंधा होता है हा? तो यहाँ ये यह भी हा? है कि मैंने देखा है ये कि बहुत अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो हैं और वो बिल्कुल अंधों की तरह पागलों की तरह ऐसे बेकार लोगों के पीछे और इसी तरह मैंने मर्दों को भी देखा है कि बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है मगर वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं है कि औरतों के साथ ही गलत होता है मर्दों के साथ भी गलत हो रही हैं चीज़ें है। और पैरल uh, चल रही हैं चीज़ें साथ साथ मतलब हर तरह की हमें स्टोरी दिख रही होती है नज़र आ रही होती है बट तो आपकी जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है मतलब आपको लगता है कि आपने अपनी गलतियों से सीखा ही है yeah, is always, मैं कहती ना मैं अगर कहूँ कि जी बहुत रिग्रेट रिग्रेट नहीं है होता है चीजें यार उस टाइम पे ये कर लेती काश उस टाइम पे ये कर लेती लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि जी आपको दोबारा जिंदगी का मौका मिलता है हु. तो आप क्या करेंगे तो मैं सनिया ही बनना चाहूंगी Say. मैं तुमसे नहीं कहूंगी कहूंगी सनिया विदर लर्निंग्स बाय नॉट माय लाइफ बट सनिया मुझे अंदर no. hmm. hmm. so, hmm. से एक बहुत सेटिस्फेक्शन है hmm. कि कुछ ऐसा नहीं किया लाइफ में कि बख्शिश नहीं होगी या कुछ ऐसा नहीं किया लाइफ में कि नो बहुत शदीद पकड़ी जाऊंगी नहीं आई आई मेड मिस्टेक्स आई लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स आई विल कंटिन्यू टू मेक मेक मिस्टेक्स बट लीस्ट आई मिस्टेक्स इतनी तो विजडम आ गई है ना सही एंड और uh, कोशिश कर रही हूँ uh, अक्सर मुझे मैं हसबैंड से कि तुम हर एक को नहीं बचा सकती हो पर बहुत कोशिश कर रही हूँ वेमन एमपावरमेंट के थ्रू पावर ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू कि मैं लोगों को बचा सकूँ ना गिरे वो इन चीज़ों में जिन 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 स्टॉम्स में और जिन वर्लपूल्स में मैं गिर के निकल के आ गई और ये भी बहुत एक आर्ट है मैं वो आर्ट भी सिखाना चाहती हूँ कि जब आप वर्ल्लपूल में फंस जाए तो निकलना कैसे ये मुश्किल होता है आसान होता है पॉसिबल हाँ, होता है फंसना आसान है निकलना बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल सनिया कैटेगराइज करें ना अगर हम तो किसको टॉप पे रखोगी बीइंग अ मदर अ वाइफ अ डॉटर कहाँ खुद को स्टैंड करती हो किस तरीके से देखो सबसे पहले तो बहुत कोई अजीम माँ भी नहीं हूँ, बहुत कोई अजीब मुझे लगता है सबसे पहले मैं एक अच्छी औरत गुड वमन नॉट अ बैड वमन आई आई फील कि अगर मैं एक अच्छी औरत हूँ तो फिर शायद मैं अच्छी माँ भी हूँ hmm. अच्छी बेटी भी हूँ अच्छी बीवी भी, भी बन गई हूँ यू नो तो शायद मैं एक अच्छी औरत हूँ ओवरऑल अंदर से मुझे एक सेटिस्फेक्शन है hmm. और देन कम्स द कैटेगराइजेशन अगर मैं एक अच्छी औरत हूँ तो शायद अच्छी माँ भी बन जाऊँगी अच्छी बेटी भी बन जाऊंगी अच्छी बीवी अच्छी दोस्त भी बन जाओगी बहुत अच्छी दोस्त <laughs> बहुत अच्छी दोस्त बिल्कुल सनिया आपसे बात करके वाकई बहुत मज़ा आया खैर हम तो मिलते रहते हैं बात भी करते रहते हैं लेकिन आज लोगों के सामने हमने जो बातें की और मुझे लगता है वाकई इससे लोगों को सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छी दोस्त तो हो मगर मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी माँ हो बहुत अच्छी बीवी भी हो बहुत अच्छी बेटी भी हो एक बहुत अच्छी इंसान हो तुम कह रही थी मैं बहुत अच्छी औरत हूँ मैं कहती हूँ बहुत अच्छी इंसान हो अगर तुम मर्द होती तो भी इतनी अच्छी होती <laughs> तुम औरत हो तो भी इतनी अच्छी हो माशा ने तुम्हें माँ बनाया है मुझे पता है तुम माँ भी बहुत अच्छी हो Thank तुमने वाकई अकेले जिस तरह अपने बेटे को पाला है उसकी तरबियत की है तुम एक मिसाली माँ हो मुझे बहुत फ़ख्र है तुम पे और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें भी टाइम दिया और लोगों को अच्छा मैसेज दिया कि वो किस तरह से अपनी ग़लतियों से सीखें आगे बढ़ें बढ़ते जाएं और लोगों को समझने की कोशिश करें ताकि वो गलत डिसीज़न ना लें तो जनाब आज की एपिसोड हम यहीं ख़त्म करेंगे मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ बहुत जल्द अल्लाह हाफ़िज